हाय दोस्तों, कैसे हो आप? आज मैं आपको शॉपिंग वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। इस तरह आप डेवलपर को हजारों रुपये देने से बच सकते हैं। जो वेबसाइट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम सेम ऐसी ही वेबसाइट डेवलप करेंगे। आपके पास इसके लिए एक डोमेन और अच्छी किस्म की होस्टिंग होनी चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा कि हमेशा होस्टिंग किसी अच्छी कंपनी से खरीदें। चलें स्टार्ट करते हैं। अपना ब्राउजर ओपन कर लें। सबसे पहले आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेना है। अपनी वेबसाइट ओपन कर लें। आप देख सकते हैं कि डिफॉल्ट वर्डप्रेस थीम ऑलरेडी इंस्टॉल है। वेबसाइट का एडमिन पैनल ओपन करेंगे। एडमिन पैनल ओपन करने का तरीका आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ब्राउजर में एक न्यू टैब ओपन करें और अपनी वेबसाइट का सी पैनल ओपन कर लें। सी पैनल ओपन करने के बाद फाइल मैनेजर ओपन कर लें और अपनी डोमेन जिस पर वेबसाइट बनाई है वो ओपन करें। बाई डिफॉल्ट ये फोल्डर पब्लिक डैश एचटीएमएल वाले फोल्डर के अंदर होता है, लेकिन मैंने ये फोल्डर बाहर क्रिएट किया हुआ है। अभी आप अपना देख लें कि आपका फोल्डर किधर पड़ा हुआ है। अगर आप वाली डोमेन पब्लिक के अंदर है तो जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एरो, उस जगह में आपके डोमेन का डाटा पड़ा होगा। वर्डप्रेस कंटेंट वाला फोल्डर ओपन कर लें और फर्दर आपने थीम वाला फोल्डर ओपन कर लें और इसमें हम अभी अपनी थीम अपलोड करेंगे जो आपने डाउनलोड की थी और जिसका मैंने बताया था कि आपने किस तरह इसको अपलोड करना है। जो इलेक्ट्रो थीम मैंने बताई थी वो अभी हम अपलोड करेंगे। इसको डाउनलोड का तरीका और लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उधर से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं।
जो थीम का फोल्डर zip की शक्ल में डाउनलोड हुआ है वैसे ही उसको हम अपलोड कर देंगे। थीम हमारी अपलोड हो चुकी है, अभी हम इसको इधर अनजिप करेंगे। इलेक्ट्रो एंड इलेक्ट्रो चाइल्ड वाला दोनों फोल्डर हम अभी इसको मूव करवाएंगे बाहर मेन पर। जो दो फोल्डर अभी हमने मूव करवाए हैं इनको अनजिप करेंगे इधर। अभी हम वर्डप्रेस में जाकर चेक करेंगे कि हमारी थीम उधर शो होने लग गई है कि नहीं। आप देख सकते हैं कि दोनों थीम जो अभी हमने अनजिप की थी वो इधर शो हो रही हैं। अभी हम इनमें से कोई एक को एक्टिव कर लेंगे और उसी के ऊपर अपना वर्क करेंगे और इसको एक ई कॉमर्स वेबसाइट की शक्ल देंगे। अभी जिधर हमने अपनी वेबसाइट ओपन की हुई है उस पेज को दोबारा रिफ्रेश करेंगे और इसकी अभी लुक देखेंगे कि थीम नई लगाने के बाद कैसा नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रो थीम लगाने से टोटली ही चेंज हो चुका है। तमाम वर्डप्रेस अभी लगेगा ही नहीं कि आपको ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है, एक प्रोफेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट बन जाएगी। अभी देखते ही देखते आपने वीडियो देखते रहना और देखेंगे हम क्या क्या चेंजिंग करते हैं इसमें। थीम एक्टिव करने के बाद ये थीम हमें बता रही है कि आपको इस थीम के साथ कौन कौन से प्लगइन एक्टिवेट करने हैं। ये तमाम प्लगइन आपने इंस्टॉल करने के बाद एक्टिव कर लेने हैं ताकि आपके कोई भी थीम आपको प्रॉब्लम ना दे।
अभी दोबारा हम उस फोल्डर की तरफ जाएंगे जिधर आपने थीम को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड किया था। उसको दोबारा एक्सट्रैक्ट करेंगे, कंप्यूटर के अंदर ही अनजिप करेंगे और उधर से उसके जो प्लगइन वाला फोल्डर है उसको थीम के प्लगइन वाले फोल्डर में अपलोड करेंगे। इस बार ये प्लगइन वाला फोल्डर आपने वर्डप्रेस कंटेंट के अंदर प्लगइन के अंदर जाके अपलोड कर लेना है।